मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम मावजी भाई पटेल है, मैं सनातन हिंदू हूँ। ये मैं लोगों को जगा दो, हिंदुओं जाग जाओ, ये सब विपक्षी पार्टियाँ देश के गद्दार है और हिंदुओं को तोड़ के मुस्लिम राष्ट्र बना, हर हर कांग्रेस से सपा बसपा आम आदमी ए टू जेड विपक्षी पार्टियाँ, हाँ वो सब हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है, गद्दार पार्टियाँ है। और जिसको आपत्ति है वो अपनी राजनीति की रोटी जंतर मंतर के माध्यम से पहलवानों के यहाँ सेक ले जाके, क्योंकि आपकी रोटी नए संसद भवन से नहीं सिकने वाली है। 2024 का मुद्दा देश के गद्दारों को चिन्हित करने का है, देश के गद्दारों को औकात बताने का, और जनता ने चुना है भारत का वो शेर, क्योंकि हमें कुत्ता पालने की आदत नहीं है, हमें शेर पालने की आदत है, और शेर पाला है और शेर ने बना के दिखाया और उसका उद्घाटन भी करेगा। हमारी महामहिम माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं, इसी विपक्ष के ना कुछ नेता एक समय राष्ट्रपति को लेकर राष्ट्रपत्नी की बातें जब कर रहे थे तब इनको अपमान नहीं महसूस होता था क्या? आज अगर देश की नई संसद बन रही है इनको क्या तकलीफ हो रही है? इनके कार्यकाल में अगर इतनी क्षमता थी तो ये करके दिखाते। जब राष्ट्रपति चुने गए और जब द्रौपदी मुर्मू महामहिम हमारी चुनी गई, तो आप ये बताइए इन विपक्ष की पार्टियों में से किस एक ने भी वोट दिया था इनको? दिया था। जब वोट नहीं दिया तो किस अपमान की बात करते हैं? जो देश के गद्दार हैं, एक बार बताइए, अरविंद केजरीवाल देश के गद्दारों की लिस्ट बनाते बनाते देश के गद्दारों के साथ हो गया, या तो खुद गद्दार हो गया या उन गद्दारों की महफिल में गद्दारों जैसा हो गया। इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि पब्लिक सब जाग चुकी है कि एक विपक्षी है ना, ये सब हिंदू विरोधी है और हिंदुओं को खत्म करने वाली पार्टियां है सब। विपक्ष कह रहा है क्या सर? ये विपक्ष एक दिन हमारी महामहिम माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं, इसी विपक्ष के ना कुछ नेता एक समय राष्ट्रपति को लेकर राष्ट्रपत्नी की बातें जब कर रहे थे तब इनको अपमान नहीं महसूस होता था क्या? आप बताइए, जब ये लोग महामहिम के प्रति राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करने वाले लोग, क्या उस समय इनको अपमान महसूस नहीं हुआ था? आप बताइए, आज अगर देश की नई संसद बन रही है इनको क्या तकलीफ हो रही है? इनके कार्यकाल में अगर इतनी क्षमता थी तो ये करके दिखाते, इन्होंने नहीं कर पाया। आप एक बात बताइए कि जब महामहिम पूर्व महामहिम कोविंद साहब जब राष्ट्रपति चुने गए और जब द्रौपदी मुर्मू महामहिम हमारी चुनी गई, तो आप ये बताइए इन विपक्ष की पार्टियों में से किस एक ने भी वोट दिया था इनको? दिया था। जब वोट नहीं दिया तो किस अपमान की बात करते हैं? किस अपमान की बात करते हैं? कोई अपमान नहीं, केवल राजनीति करना चाह रहे हैं। और जो ये बात बात में कह रहे हैं ना कि हम संसद में नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, अरे मैं तो कहता हूँ भारत के संविधान में ऐसे लोगों के लिए एक प्रावधान लाओ, जब भारत के ही सांसद जब संसद का बहिष्कार करते हैं तो उन लोगों की सुनकर तत्काल अध्यादेश लाकर भारत के अंदर चुनाव निरस्त कर देने चाहिए, पैसे की बर्बादी करना बंद कर देना चाहिए। जब सांसद ही संसद का बहिष्कार कर दे तो ऐसे सांसदों की कोई आवश्यकता नहीं है देश के अंदर। एक मत और एक विधानसभा देश को चलाने वाला काम होना चाहिए केवल। लोकतंत्र की हत्या बता रही है, लोकतंत्र की हत्या करके लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लोकतंत्र को ये लोग केवल राजनीतिक स्टंट बनाने के लिए उसमें अपने चुनावी एजेंडे को फिट करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह तो रहा हूं ना, आपने बहिष्कार कर दिया ना संसद का, भारत सरकार लाए अध्यादेश, भारत के चुनावों को रद्द कर दो, क्यों पैसा बर्बाद करो? जनता का पैसा है, नहीं करना चाहिए बर्बाद। आज संसद भवन बनाइए, कल और भी जगह कुछ बनेगा, चुनाव का पैसा कहीं और लगेगा। ऐसे नेताओं को परमानेंट ही रोक दो, देश की जनता की आवाज है, रोक दो, जो बहिष्कार करे उन्हें बाहर कर दो। एक सवाल और है कि राष्ट्रपति से करवाने के लिए बोल रहे थे कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वयं पहले ही बोल दिया कि वो भी चाहती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही उद्घाटन करें, तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है आप बताइए? कोई आपत्ति नहीं होती है इसके अंदर। और जिसको आपत्ति है वो अपनी राजनीति की रोटी जंतर मंतर के माध्यम से पहलवानों के यहाँ सेक ले जाके, क्योंकि आपकी रोटी नए संसद भवन से नहीं सिकने वाली है। 2024 का मुद्दा देश के गद्दारों को चिन्हित करने का है, देश के गद्दारों को औकात बताने का, और जनता ने चुना है भारत का वो शेर, क्योंकि हमें कुत्ता पालने की आदत नहीं है, हमें शेर पालने की आदत है, और शेर पाला है और शेर ने
बना के दिखाया और उसका उद्घाटन भी करेगा। कर्नाटक चुनाव हार गई या हरा दिया या जनता की वहां ने जो फैसला दिया वो वहां की जनता के ऊपर है, लेकिन आप यहां क्यों भूल जाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री भी जनता के चुने हुए ही हैं, एक बार के नहीं दो बार के, और आज वो विश्व के लीडर हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री को लेकर ऑस्ट्रेलिया से आवाज आती है कि द बॉस, और इनके बस की है कहां इनके बॉस एक भी, देखिए विश्व का लीडर बन के प्रधानमंत्री ने अपना नेतृत्व करने का कार्य किया और आप लोग बात करते हो, ये सब के सब ढकोसलेबाज हैं, इनके बस की राजनीति नहीं है, ये केवल राजनीति की रोटी 2024 कांग्रेस करना चाह रही है। मोदी जी जाएंगे ही नहीं, अरे भाई जाना ही नहीं है, जो देश के गद्दार हैं, एक बार बताइए अरविंद केजरीवाल देश के गद्दारों की लिस्ट बनाते बनाते देश के गद्दारों के साथ हो गया, या तो खुद गद्दार हो गया या उन गद्दारों की महफिल में गद्दारों जैसा हो गया, क्या समझा जाएगा। जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में अपना योगदान नहीं देते उसमें तो वोट नहीं देते, और बात करते हैं उनके सम्मान की, पहले उनका नाम तमीज से लेना सीखो, अपने नेताओं को सिखाओ कि राष्ट्रपति होते ना कि राष्ट्रपत्नी, उन चीज़ों पर बात करो, और देश की जो संसद है उसे जनता ने स्वीकार कर लिया है। मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम मावजी भाई पटेल है, मैं सनातन हिंदू हूँ। ये मैं लोगों को जगा दो, हिंदुओं जाग जाओ, ये सब विपक्षी पार्टियाँ देश के गद्दार है और हिंदुओं को तोड़ के मुस्लिम राष्ट्र बना, हर कांग्रेस है, सपा बसपा आम आदमी ए टू जेड विपक्षी पार्टियाँ, हाँ वो सब हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है, गद्दार पार्टियाँ है और ये देश तोड़ने वाली पार्टियाँ है, और देश तोड़ के उनको गद्दारी हिंद बनाना है। नया पार्लियामेंट बन रहा है उसका उद्घाटन का भी विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, एक 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 कितने गिरे हुए विपक्षी है सब, अपना जब मोदी जी ने नया संसद भवन बनाया तो देश के लिए अच्छा है, नहीं तो जो पुराने संसद में हर साल 1,000 करोड़ का किराया देते थे, हाँ हर साल तो ये तो 1,000 करोड़ में तो बना दिया है, तो हाँ तो देश के लिए अच्छा है ना, तो भी ये विपक्षी है ना, ये दोस्त देश तोड़ने वाली पार्टी है और गद्दार पार्टियाँ हैं सब विपक्षी पार्टियाँ। मैं तो 2021 से घूम रहा हूँ, गुजरात से हूँ और राजस्थान पंजाब हरियाणा और ये अभी दिल्ली आया हूँ, और बहुत लोग जागते हैं, बहुत हाँ हिंदू राष्ट्र तो हम भी मांग रहे हैं, हम बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ क्योंकि हमारे परिवार की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। अरे मोदी जी जैसा काम किसी ने किया नहीं आज तक, अरे बहुत बहुत सारे काम, आपको तो हमारे से भी ज़्यादा नॉलेज होगे, बहुत बहुत जो विदेश में जो पहले हमारे देश भारत को गरीब बनाया था पूरे विश्व में कि भारत गरीब है, आज देखो आज विश्व में हमारा डंका बज रहा है मोदी जी की वजह से, और पूरा देश जहाँ विदेशों में भी हम जाते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि ये भारत से है। हिंदुओं को बोलता हूँ जाग जाओ, नहीं तो 25-50 साल बाद आप घर में भी नहीं जी पाओगे। हाँ मोदी जी 24 और 29, मोदी जी को कोई हरा पाएगा नहीं, हाँ हाँ वो तो 29 में तो योगी जी लाएंगे मगर 24 में तो मोदी और योगी जी, मतलब 2024 और 29 दोनों में मोदी जी आएंगे। चुनाव के लिए जो विपक्ष का कोई असर नहीं होगा क्योंकि पब्लिक सब जाग चुकी है कि एक विपक्षी है ना, ये सब हिंदू विरोधी है और हिंदुओं को खत्म करने वाली पार्टियां है सब, हाँ सिर्फ बीजेपी बचा रही है। हाँ जी ओके।